अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे, बखैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बड़े वक्त मिल सके। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी वो गुड न्यूज़ दोस्तों हमारे कबूतरों केज में है। तो चलिए आइए बिना वक्त ज़ाया के आपको गुड न्यूज़ बताते हैं। तो आज यार सुबह सबसे पहले मैंने ये काम किया कि कबूतरों का जो केज है साफ़ किया है, और जितना भी गंद कचरा वगैरह था इसमें देखे पड़ा है, और बाकी जो सिमरी सीम मुर्गियाँ वो यहाँ पड़ा है। और एक और अपडेट आपको मैं बताता चलूँ, ये देखे जी प्लाट माशाल्लाह से साफ़ हो चुका है। तकरीबन दरख्त जितने भी थे दोस्तों जड़ समेत जो से हैं निकाल दिए गए हैं, और दीवार देखे नई बन चुकी है। वो देखें सामने ये नई बनी दीवार दोस्तों, ये टूट चुकी थी तो अब ये जो सा नई बन गई है। और अभी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गंद है, तो इंशाल्लाह जल्द ही दोस्तों 5-6 दिन के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो अब दोस्तों अब हम आते हैं जितने बजीज़ की तरफ। तो माशाल्लाह से बजीज़ भी ठीक हैं, खा पी रहे हैं, इनका पानी गंदा हुआ है देखें, तो आप जल्दी से इनका पानी चेंज करते हैं। एक हाथ से कैमरा है तो मैं पानी चेंज नहीं कर सकती क्योंकि दरवाज़ा इनका बड़ा है, तो बजीज़ भाग भी सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आज हम इनका पानी चेंज करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों पानी इनको चेंज कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, देखें साफ़ सुथरा पानी, और बाजरा भी इनके आगे पड़ा है, और सारे बजीज भी माशाल्लाह सही हैं। तो जल्दी दोस्तों ये अंडे दे देंगे इंशाल्लाह। तो अब दोस्तों ऐसा करते हैं कि अब हम आपको गुड न्यूज़ बताते हैं कि हमारे जो कबूतरों के केज में क्या गुड न्यूज़ है। तो चलिए चलते हैं जी अपने जी कबूतरों के केज में। समझ तो दोस्तों आपको लग रही होगी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लकी मादी है दोस्तों उसने अंडे दे दिए हैं। तो मैंने तकरीबन दोस्तों कल देखे थे तो मैं एकदम शॉक हो गया, एक अंडा भी था दो अंडे मौजूद थे, हमें पता ही नहीं चला दोस्तों इन्होंने अंडे दे भी दिए और हमें पता भी नहीं चला। ये बैठते थे, मैं समझ रहा था कि दोस्तों ये जो सा अभी नेस्टिंग करेंगे अभी इनको टाइम होगा, पर इन्होंने माशाल्लाह से यार अंडे भी दे दिए, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाए इन्होंने। तो आपको अंडे दिखाते हैं। तो ये बैठी है जी हमारी मादी, ये देखे माशाल्लाह, और इसके मैं आपको एग्स भी दिखाता हूँ। तो अब ये उठती है, पता नहीं नहीं उठती, देखते हैं जी उठती है कि नहीं उठती। तो माशाल्लाह, तो दोस्तों ये है जी एग माशाल्लाह से हमारे लकी कबूतरे के अंडे, देखे दोस्तों माशाल्लाह ही देखे। फाइनली यार इन्होंने भी अंडे दे ही दिए आखिर। और ये है जी मादी हमारी जिसने अंडे दिए हैं, और इसका जो मेल लगा है ये लकी का मेल माशाल्लाह। और बाकी जो हमारे कबूतर हैं चिंटू पिलवान भी यहाँ पर है, और जो हमारा रोमी और इसकी पार्टनर वो भी जल्दी अंडे दे देगी इंशाल्लाह। और हमारा जो इंडियन कबूतर है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि दोस्तों इसको मैं उड़ाऊँ, पर डर भी लगता है पीछे भी, पता नहीं पक्का है भी है या नहीं। तो इंशाल्लाह जल्दी दोस्तों हम इसको उड़ाएंगे और उसका हम टेस्ट लेंगे कि वापस घर आता है कि नहीं आता। और हमारा ब्लैकी माशाल्लाह जो मैं नया कबूतर लेके आया वही माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है, और हमारा चॉकलेट और जो सा है हमारा चुरेल मादी वो यहाँ पर है जी दोनों। इंशाल्लाह दोस्तों ये भी जल्दी अंडे दे ही देंगे। अब ऐसा करते हैं यार इसको उठाते हैं और इसको इसके नेक्स्टिंग बॉक्स के पास लेके जाते हैं ताकि बैठ जाए, अपने अंडों की इंक्यूबेशन सही से करे, ये ना हो कि दोस्तों ये अंडे ठंडे हो जाए। तो इसको पकड़ते हैं जी, ये देखें माशाल्लाह से, और ये देखें जी जाओ जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, ये देखें माशाल्लाह दोस्तों। इस टाइम मेरे ख्याल से नर की बारी है, तो नर को पकड़ते हैं और इसको बिठाते हैं जी यहाँ पर ताकि जो है इंक्यूबेशन दोस्तों सही से हो। तो ये जी नर तो मैंने बिठा दी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, वापस चढ़ चुका है, अंडे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो अब मादी को उठा के हम रखते हैं यानी यहाँ पे। तो ये जी दो मादी भी नहीं बैठ रही दोस्तों फ़िलहाल, तो मैं साइड पे होता हूँ, तो फिर जो है आराम से मुझसे जो है बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इनको पानी रखते हैं, देखे केज मैंने इनका साफ़ कर लिया सही से, देखे आज छुट्टी थी कॉलेज से तो मैंने सोचा कि ना केज साफ़ कर दिया जाए, और इनको पानी डालते हैं जी फ्रेश। ये रहा दोस्तों फ्रेश पानी, तो इनके आगे जी रखते हैं जी पानी। तो ये साइड पकड़ के रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि दरमियान में रखता हूँ ना तो ये ऐसा करते हैं कि नहाने लग पड़ते हैं, खुद्दा सारा सारा गंदा कर देते हैं और ख़ुद भी गंदे हो जाते हैं। तो अब तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी ख़ास तौर पे लकी पिजन्स की, क्योंकि इनका अब नहीं नहाने देना, जब ये ना आएंगे तो फिर जब अंडों पर बैठेंगे दोस्तों अंडे गीले हो जाएंगे तो अंडे ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से अब हम इसको नहाने नहीं देंगे, बाकी कबूतरों को नहाने देंगे, इनको नहाने देंगे। और देखें जी चिंटू पहलवान साहब आ गया पानी पीने के लिए, देखें माशाल्लाह से देखें
ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। और हमारा ब्लैकी भी आ रहा है, और ब्लैकी भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह से हमारा ब्लैकी भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, ये देखें। और ये जी पानी पी रहा है माशाल्लाह, ये देखें। और जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं सेट पर हो जाऊँगा, तो नर ख़ुद ब खुद ही जाके बैठ जाएगा अपने एग्स पे, और वैसा ही हुआ दोस्तों, हमारा जो नर है वो अंडों पे बैठ रहा है माशाल्लाह से, देखें। सात मादी और नर देखें बैठ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके आगे देखें दाना ही पड़ा है, तो इनकी टेंशन फ्री। कबूतर माशाल्लाह सारे के सारे A1 है, फिट है। और हमारा जो छोटू गैंग है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सही है। मैंने रेट डाली थी जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप इतना गंद ना सूखे तो ये बहुत खुश हैं इसमें। और जो सा ये चूजे वगैरह होते हैं दोस्तों, इनको इस तरह का माहौल पसंद होता है, मिट्टी शिट्टी हो, ये बहुत ही खुश रहते हैं। और मुर्गी जो सी है दोस्तों हमारी, वो मोल्टिंग में है, यानी कुड़ीस में है, तो ये भी जल्दी दोस्तों मोल्टिंग जो सी है, यानी कि मोल्टिंग कर लेगी इंशाल्लाह, यानी कि पढ़ने गिरा के नहीं निकाल लेगी इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा पढ़ पड़े हैं, ये देखें बहुत ज़्यादा दोस्तों पढ़ पड़े हैं। जल्दी जो सा ये पढ़ नहीं निकाल लेगी, देख सकते हैं वो, देखें पढ़ गुल्ले आपको नज़र भी आ गए होंगे। और इनका आगे पानी वगैरह पड़ा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और माशाल्लाह से दोस्तों, जिसका हमें इंतज़ार था, हमारी लकी कबूतरी कब अंडे देगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों उसने भी अंडे दे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम जो हमारी लकी कबूतरी है वो देखें पढ़ साफ़ कर रही है अपना माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब पहले भी इससे जो से बच्चे निकाले थे, बड़े भी हो गए थे, पर यार एक मर चुका था और एक भाग गया था, उड़ चुका था। तो अल इस मतलब अल्लाह करे यार, ये बच्चे भी निकल आए, बच्चे पल भी गए और हमारे घर से मरे भी ना और भागे भी ना, तब मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अगर वो दोस्तों एक ना मरता ना भागता, तो हमारे पास दोस्तों अब तक माशाल्लाह से 4 लकी पिजन हो जाए थे, और ये हमारे पास 6 हो जाए थे। पर यार जो किस्मत में था वो हमें मिलना ही था। और देखें नर बैठ भी चुका अल्हम्दुलिल्लाह, देखें। और ये मादी और ये इंडियन कबूतर सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट पाट हैं, देखें। तो ये मैंने आपको बताना था गुड न्यूज़, क्योंकि मुझे भी अचानक से ही पता चला है। नर बैठा था आराम सुकून से, जब मैंने हाथ आगे किया उसके तो एकदम काटने लग पड़ा मुझे, तो मैं समझ गया यार इन्होंने अंडे दिए हैं। तो जब मैंने देखा तो माशाल्लाह से दो अंडे मौजूद थे, एक भी नहीं था। मेरा ख्याल रहा कि दोस्तों ने एक पहले दिया था और एक जो सा बाद में दिया था। और दोस्तों एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो चले आइए मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये दोस्तों जी ड्रम है, और इस ड्रम के अंदर दोस्तों मछलियाँ। तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मूली मछलियाँ, ये दोस्तों यही दोस्तों मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, पर आज की वीडियो में मैं कहता हूँ दो सरप्राइज़ आपको दे दी जाए। हमारी लकी कबूतर ने दो अंडे भी दे दिए हैं, और हम मूली मछलियाँ भी ले आए हैं। तो 4 मूली मछलियाँ दोस्तों इस टाइम इसके अंदर 3 है, और एक मूली मछली दोस्तों हमारी अलहदा है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगा, आज दोस्तों नहीं बताऊँगा। तो यही दोस्तों मैंने कल वाली वीडियो में आपको दिखाए थे, मैंने सोचा यार क्यों ना अपने व्यूवर्स को दिखा दी जाए। तो ये देखें जी मछलियाँ, देखें जी दोस्तों हमारी, ये देखें ये ब्लैक वाला मेल है जो सा, ये वाला ये मेल है, ये भी फीमेल है, और एक दोस्तों वाइट रंग में है मूली मछली, तो वो पता नहीं कहाँ पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें दोस्तों, ये 3 मछलियाँ हमारी माशाल्लाह से, ये देखें 3 मछलियाँ। आपको सही से नज़र नहीं आओगी इंशाल्लाह, हम जो सा इसके अंदर बजरी डालेंगे तो जो सा होगा ना फिर आपको क्लियर दिखाई देंगे इंशाल्लाह। तो मानो भी यहाँ पे इस टाइम मौजूद है, मानो आपको मछलियाँ कैसे लगी हैं? अच्छी लगी जी। मानो को दोस्तों मछलियाँ बहुत पसंद है, और ये जो सा है हर वक्त जो सा इसके पास खड़ी रहती है। छत पर दोस्तों ड्रम पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा वो अलहदा मछली की वो देखो इस बाल्टी के अंदर पड़ी है। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिले किस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखते हैं, दबाव में आपका अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में भी दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको हमारे जो दो सरप्राइज़ कैसे लगे। और वीडियो एंड करते वक्त भी मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर 99% लोग ऐसे हैं जो तो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली इनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स क्या करें, कमेंट्स से दोस्तों हमारी हौसला अफजाई होती है। तो और ये देखें माशाल्लाह से इस टाइम ये दाना पानी खा रही है, कि अंडों में बैठी रही थी, अब ये फ्रेश होगी, दाना पानी पिएगी तो सही हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।